लोग, कॉलेज में आपका लास्ट डे आज। चलिए कराएंगे। एक सबसे लास्ट। तो इतनी देख। 316 चाहिए हूँ। मैं तो पूरी क्लास की सबसे लास्ट रोल नंबर पे हूँ। मतलब देख सीन हो गया, पता क्या हुआ? तो बड़ा ही दे देते छोटू सा। चल ले आई। यार आज तो घर में कोई है भी नहीं। मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, थोड़ा सा खाने खा लेती हूँ। पर मेरा पेपर ऐसे 12 बजे होता है, नहीं 2 बजे होता है, पर आज मेरा पेपर 9 बजे और 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। ये टी शर्ट पहनी है, मेरे बड़े दिन बाद पहनी है टी शर्ट। अच्छी लग रही है वैसे, पता नहीं मैं इसको क्यों नहीं पहनती हूँ, है ना। एंड या आज कॉलेज का लास्ट डे है, मतलब मेरा लास्ट एग्ज़ाम है और कॉलेज का भी लास्ट डे है। मतलब 3 साल का पूरा कॉलेज आज ख़त्म हो जाएगा एंड आज के बाद शायद कॉलेज जाने का कभी मौका भी ना मिले। सो यार मेरे को लगा कि आज का ब्लॉग स्पेशल है और बनाना चाहिए, इसलिए मैं आज का ब्लॉग बना रही हूँ। पता नहीं बनाया जाएगा कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम 12 बजे ख़त्म होता है तो बच्चे साथ चल जाते हैं एंड थोड़े बहुत मेरे फ्रेंड्स होंगे जो मेरे साथ होंगे तो उनसे आपको मिलवाएंगे। एंड या ये हमारे कॉलेज का लास्ट ईयर है। हाय बेबीज लोग, कॉलेज में आपका लास्ट डे आज। मतलब आपका नहीं, हम सब का लास्ट डे आज। कुछ तो पढ़ रहा क्या बता रही है तू? हमने 21 नंबर। चल316 चाहिए हूँ। चलो मिल गया, चलो अपना लास्ट पेपर देते हैं। चल चल दे, ऑल द बेस्ट सबको मेरी तरफ से। तुम तो एक उम्मीद थी कि ये लोग साथ आएंगे तो पेपर हो जाएगा थोड़ा बहुत, पर मैं तो पूरी क्लास की सबसे लास्ट रोल नंबर पे हूँ। मतलब पूरे सब का जो भी डेट शीट नहीं, क्या बोले दिसो, क्या बोले दिसो, सीटिंग, हाँ सीटिंग अरेंजमेंट लगा था सबसे लास्ट पे होंगे उसमें। और सीटिंग अरेंजमेंट के मैं थर्ड बेंच पे हूँ। मैं पेपर खत्म हो गया, मैं 11:30 बजे आ गई हूँ पेपर दे के, आधा घंटा पहले ही। हाय यार मेरे साथ सीन हो गया आज। मतलब अभी मैंने पिछले साल एक कोर्स किया था, फ्री कोर्स था उसका, ब्यूटिशियन का, महीने भर के लिए किया था मैंने वो। तो उसके आज सर्टिफिकेट वगैरह मिलने थे तो मैंने वहाँ नहीं गई क्योंकि मेरा प्रोग्राम था आज और मैंने सोचा था कि मैं प्रोग्राम जाऊँगी तो मैंने वहाँ शिवानी को भेज दिया। अंजी, और प्रोग्राम जाना कैंसिल हो गया क्योंकि जल्दी जाना पड़ा और मेरा पेपर 12 बजे ख़त्म होगा पर उनको 12 बजे से पहले जाना पड़ा, इसलिए ऋतिका को भेज दिया मैंने। मतलब मैंने नहीं भेजा पर ऋतु को ले गए वो, क्योंकि किसी को ही चाहिए था, दो लड़कियाँ चाहिए थी इस करके। और मेरा कैंसिल हो गया, अब ना मैं सर्टिफिकेट लेने गई और ना मैं प्रोग्राम में गई, तब मैं घर में पड़ी हुई हूँ। आज मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, आज मेरा कॉलेज में जो था वो लास्ट दिन था। एंड मतलब उतना खास स्पेशल जैसे स्कूल में थे ना लास्ट डे की, जैसे सब बच्चे इकट्ठे होते हैं, वैसा कुछ खास कॉलेज में होता नहीं है क्योंकि अब अपने अपने एग्ज़ाम वाले दिन लोग आते हैं और चल जाते हैं। तो आज हमारे जो हिस्ट्री वाले थे उनका लास्ट एग्ज़ाम था तो उसमें तो मेरे थोड़े से ही फ्रेंड्स हैं, मेरे तो 4-5 फ्रेंड्स हैं मेरे, वो तो आए थे। और बस मेरे पेपर जल्दी ख़त्म हो गया, कुछ खास मुझे आता जाता था नहीं। मतलब इतना बोल सकते हैं कि अभी तक जितने पेपर उसमें मेरा सबसे गंदा पेपर गया लास्ट वाला। सोचा मैंने ऐसा था कि सबसे इजी है पर यार सबसे गंदा गया ये वाला मेरा। अब देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी भी मैं बताऊँगी जल्दी, पर अभी कुछ कन्फर्म नहीं है तो अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे पढ़ने का इच्छा मेरी है नहीं, अब बड़ी मुश्किल से पढ़ाई ख़त्म हुई, पर अब देखते हैं क्या होगा।
तो एक सीन हो गया, पता क्या हुआ, ये परफ्यूम है इसको मैंने यहाँ रखा था, इसका ढक्कन यहाँ से खुला, वो यहाँ को गिरा, मतलब ढक्कन खुला इसका यहाँ को गिरा और वो यहाँ से इधर को घुस गया जाके, इधर को घुस गया जाके, फिर मैंने यहाँ से ये ड्रॉर था इसको निकाला, इसमें चेक किया, इसमें हैंड था, फिर वो चीज़ यहाँ से निकली, यहाँ से मतलब यहाँ को निकली और यहाँ से ये गिरी हुई है जाके नीचे। ये मैं इसको कब से ढूंढ रही हूँ कि कहाँ गई। शिवानी का परफ्यूम मैं देखा होता तो मार डालती मेरे को, मतलब अगर मिला नहीं होता मेरे को तो, बस मिला नहीं होता तो मैं वीडियो में डालती नहीं, फिर मैं बताती नहीं उसको कि मैंने गुम किया है। फिर जब मैंने बताया था कि मेरी जगह शिवानी को मैंने भेजा है तो वो गई है वहाँ पे और बेचारी बोर हो गई है, इतने टाइम से गई हुई है और अभी तक वो आई नहीं वापस, कर खुद ही चल जाती मेरे को। फिर मैंने उसको बोला था यार मैं चल जाती हूँ रन देने, फिर उसको लगी थी कि मेरा मन नहीं जाने का, मेरे को जाने दिया, तो चली थी। अब बेचारी शाम हो गई है वहीं पर, सारा दिन बेचारे धूप में वहीं पर पड़े हुए हैं। अभी बोला उसने फ़ोन करके कि बस में आ रही है, तो उन्होंने कुछ सामान दिया है और सर्टिफिकेट दिया है, तो देखते हैं क्या दिया है। अनुराग ठाकुर के थ्रू वो हुआ था, मैंने पिछले साल किया था, उस टाइम मैंने सिलाई भी नहीं थी, तो वो देखते हैं बीजेपी वाले क्या दे रहे हैं। जो कोर्स करवाया है, मतलब साल पहले कोर्स हुआ था, अच्छा कोर्स था, अच्छा सिखाया मैम थे हमारे, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा सिखाया था, फ्री कोर्स था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, मतलब कितनी भी एज लिमिट नहीं थी, कोई भी औरतें सीखने जा सकती थी। यार इतना ज़्यादा टाइम हो गया, कोई दुकान मैन का नाम ही नहीं ले रहा है, मुझे कब से बिठाया हुआ है, और फिर से मेरा चार्ज खत्म हो गया। आज मेरा लास्ट पेपर था और आज मेरा चार्ज खत्म हो गया। इंसान आज फ़ोन चलाना है रात को है तो उसके पास चार्ज नहीं है, वो कहाँ से फ़ोन चलाया। हम गरीब हैं, हमें कोई हॉटस्पॉट भी नहीं देता है, क्योंकि हम एक बार में डेढ़ डेढ़ दो दो जी बी ख़त्म कर देते हैं हॉटस्पॉट लेने वालों का, तो इसलिए हमें कोई हॉटस्पॉट नहीं देता। अब हम क्या करें, क्या किया क्या जाए, हैं दुखी ज़िंदगी है हमारा। कुछ कह लो मैं, तो अनुराग ठाकुर जी ने जो हमारे लिए सामान दिया है वो दिखाती हूँ मैं आपको। पता नहीं यार ये प्रिंट की लुखाते हैं, मतलब लोगों ने अगर यूज़ ही करना है वो ऐसा बैग लेके जाएंगे, ऐसा जिस पे इतना बड़ा बड़ा सा प्रिंट हो, पता नहीं ये मत किया करो यार अगर सर्टिफिकेट। ओके तो ये रहा आई शेडो पैलेट जो इन्होंने दिया है इसके अंदर, है ना, थोड़ा बड़ा ही दे देते, छोटू सा है, चल अच्छा है। ये ब्रशेज हैं इसके साथ यूज़ करने के लिए और ये कॉम है जो मुझे इन सब में वैसे सबसे अच्छी लगी, यूज़फुल है बहुत। ये तीन चीज़ें हैं मेरे पास, तीन नहीं चार चीज़ें, ये पांचवीं चीज़। बच्चियाँ चले जाना सूजू पता नहीं क्या होना, मैं सूजू अपने आप ही निकलने लगे क्या ले सुजन ने इसको ले लिया था पर मेरे को दिख रही टाइम से तो मैं ले आई जो बहुत गई आई रही सेफ्टी बिना मुँह पाने रही पोलू नहीं बदतमीज से डाल।